वन इंटू वन एक वन सॉरी 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 वन वन हाँ वन ठीक है हाँ हाँ टू वन टू का स्क्वायर क्या होगा टू का स्क्वायर क्या होगा फोर टू इंटू फोर थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन थ्री इंटू थ्री नाइन सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आ गई आवाज ठीक है जी सर ओके ध्यान दीजिए सवाल पे ध्यान दीजिए ठीक है स्क्वायर रूट याद रखना है ठीक है स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है इसको स्क्वायर बोलते हैं यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं वर्ग ठीक है या फिर उर्दू में बोलते हैं मुरब्बा ठीक है एक का मुरब्बा क्या आएगा मुरब्बा फोर का दो का मुरब्बा फोर तीन का मुरब्बा नौ तीन का वर्ग नौ चार का वर्ग फोर इंटू फोर सिक्सटीन पांच का वर्ग पांच का स्क्वायर फाइव इंटू फाइव सर इसका आंसर 64 हाँ आंसर कुछ अब तो समझ में आठ का मुरब्बा 64 अब तो पता चली आया सर आठ का मुरब्बा 64 ठीक है ये आपको 10 तक याद रखना है ठीक है 10 का स्क्वायर 100 होता है कल पूछूंगा मैं ठीक है यहाँ पे अगर ये जिसको याद आएगा वो बहुत इजीली ये देख के बता सकता है कि ये स्क्वायर्स हैं सबके ठीक है बहुत इजीली आप बोल सकते हो कि ये जीरो का स्क्वायर है वन का स्क्वायर है ये टू का स्क्वायर है ये थ्री का स्क्वायर है ये फोर का स्क्वायर है ये फाइव का है ये सिक्स का है ये सेवन का है तो यहाँ पे एट का स्क्वायर आएगा ठीक है एट का स्क्वायर क्या होता है एट इंटू एट दैट इज 64 ठीक है 64 आता है आठ में आठ 64 ठीक है इसी का उल्टा भी होता है ठीक है उल्टा क्या होता है एक का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट वन आएगा टू का स्क्वायर रूट नहीं होता है थ्री का नहीं होता है सीधा फोर का होता है ठीक है फोर का स्क्वायर रूट टू जस्ट इसका अपोजिट ठीक है जस्ट इसका अपोजिट नाइन का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा थ्री सिक्सटीन का स्क्वायर रूट फोर ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट फाइव तो ये चीज मालूम होना चाहिए ठीक है समझ में आया नुसरत जी सर हाँ ये सर समझ में आएगा इसमें स्क्वायर है सब एक चार नंबर याद रहेगा नंबर तो समझ में आएगा ठीक है सीरीज में आप हर्ट को पढ़ने पर हर्ट के पैटर्न को देखें सीरीज के खाली जगह भरे ठीक है क्या हो जाएगा क्या है पैटर्न बी है जी है एल है इसका कोई पैटर्न दिख रहा है एफ है के है पी है वाई है टी ओ है ए है पी है यू है कोई पैटर्न दिख रहा है बी के बाद जी आता है ठीक है बी के बाद जी आता है कितने लेटर्स के बाद आता है बी के बाद सी डी ई एफ उसके बाद जी आता है ठीक है कितने लीटर का गैप है चार लीटर का गैप है ठीक है चार लीटर का गैप है अभी इसमें और इसमें देखेंगे तो जी के बाद एच आई जे के यहाँ पे भी चार का गैप है ठीक है तो अभी अगला चार का गैप क्या हो जाएगा एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आना चाहिए ठीक है तो एक ही लेटर से आपको पास चल जाएगा ठीक है सब नहीं पता करना है आपको एक लेटर से ही पता चल जाएगा तो इसमें कुछ नहीं होता है जो लेटर वाले होते हैं लेटर सीरीज इसको बोलते हैं लेटर सीरीज ठीक है इसमें दो आगे रहेंगे ठीक है या दो पीछे रहेगा ठीक है तीन आगे हो सकता है तीन पीछे हो सकता है इसी टाइप का कुछ भी रहता है ठीक है ओके क्लियर है यस सर क्लियर चलिए खाली खाने में आने वाली तस्वीर का इंतखाब करें ताकि दोनों निचली तस्वीर इस तरह मुतल्लिक हो जिस तरह ऊपर वाले दोनों का ताल्लुक है इन दोनों का जो ताल्लुक है उसी ताल्लुक से इसके साथ क्या आ जाएगा सर ये क्या है ये झाड़ू है ठीक है ये चम्मच है ये मैट नहीं सर ये ग्लास के नीचे ये वैक्यूम क्लीनर है ठीक है ये ग्लास है ये कटोरा ठीक है ग्लास में पानी पीते हैं कटोरे में यहाँ झाड़ू आ जाएगी ठीक है तो झाड़ू आ जाएगा यहाँ पे क्यों क्योंकि वैक्यूम क्लीनर से क्या करते हैं सफाई का काम करते हैं तो ये झाड़ू आ जाएगा जी सर चलिए नेक्स्ट है उस लफ्ज का इंतखाब करें जो नीचे लिखे हुए लफ्ज का जरूरी हिस्सा हो ठीक है जबान ठीक है जबान मतलब कौन सा जबान ये अपना जो टंग होता है वो नहीं जबान मीन्स लैंग्वेज ठीक है लैंग्वेज के लिए सबसे जरूरी हिस्सा क्या है अल्फाज तहरीर बोली या सीखना अल्फाज लैंग्वेज के लिए अल्फाज सबसे जरूरी है ठीक है लैंग्वेज के लिए अल्फाज होंगे तभी तो आप लिख पाएंगे लिखना कोई जरूरी नहीं है ठीक है
लैंग्वेज बिना लिखे भी सीखा जा सकता है, जी सर। ठीक है, लैंग्वेज बिना सीखे भी लेकिन अल्फाज अगर नहीं होंगे आपके पास तो आप लैंग्वेज का कुछ बोल ही नहीं सकते, ठीक है, कोई मतलब नहीं रह जाता है लैंग्वेज का, बिना अल्फाज के कोई मतलब ही नहीं रहता लैंग्वेज का, ठीक है, क्लियर है? जी सर, यस सर, यस। ये देखिए अलामतों की तरतीब को गौर से देखें, सही नमूना मुंतखब करें, ठीक है, ये एक नंबर है, दो तीन, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इन चारों में से कौन सा आएगा, लॉजिक लगाइए, जहन का इस्तेमाल कीजिए, क्या आ सकता है, क्या पैटर्न है, कि यहाँ पे ओपन है, ठीक है, अभी ऐसा ओपन हो गया, ठीक है, ये ऐसा ओपन है, तो बी ऑप्शन बी सर, यहाँ तो डी, क्या हो जाएगा बी, क्यों, ये साइड इधर साइड ओपन है ना सर, तो इधर साइड हो जाएगा ना, ये इधर है, ये इधर है, ठीक है, ऐसा है, नीचे है, फिर ये इधर आया, ठीक है, तो अब किधर जाएगा, ये ऐसा था, फिर ऐसा आया, फिर ये ऐसा आया, ठीक है, अब किधर जाएगा, ऐसा होना चाहिए, जी सर, ठीक है, सही है, लेकिन ये चीज गलत है, क्यों, ऐसा तो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, ये देखिए, ये पूरा होना चाहिए था यहाँ तक, ये कमी है इसके अंदर, ठीक है, ये देखना कहाँ तक है, पूरा यहाँ तक है, तो ऐसा यहाँ तक होना चाहिए, डी में भी होगा सर, ये गलत हो जाएगा, डी सही होगा, ठीक है सर, डी भी है, डी सोचिए, ठीक सही होना चाहिए, जी सर, वो इनकम्प्लीट है ना सर, सर हम तो डी बोले थे, सुनाई नहीं देती आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया, डी बोला तो बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, वो मुतबादिल मुंतखब करें जो दिए गए मौजूद मजमुए के आईने की तस्वीर से मिलता होता है, ठीक है, आईने का कल बताया था, आईने में कैसा दिखेगा, जो इधर है इधर दिखेगा, ठीक है, सी है, सी को उल्टा करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, ओ इधर आ जाएगा, ओ को कैसे भी करेंगे वही दिखेगा, गोल चीज को ऊपर से नीचे करें या दाएं से बाएं करें या नीचे से ऊपर करें, गोल चीज गोली रहती है, ठीक है, और वी का बीच में है तो बी भी वैसे ही रहेगा, ठीक है, आई यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और डी जो है, ठीक है, डी यहाँ पे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये वन है तो जी सर, ये आ जाएगा और नाइन ये उल्टा हो जाएगा, कौन सा इसमें आपको लगता है कौन सा हो जाएगा, इसमें और इसमें क्या फर्क है, और से देखिए, ये सर इसमें ए का फर्क है, वी 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 सर, वी इसमें भी फर्क है, और नाइन का भी फर्क है, नाइन का भी फर्क है, नाइन देखिए ऊपर से नीचे आ गया ये, ठीक है, नाइन को उल्टा सिक्स लिख दिया, तो ये ऐसा नाइन सिक्स कौन से इसमें वाटर इमेज पानी के अंदर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, नाइन सिक्स दिखेगा, सिक्स नाइन दिखेगा, नाइन सिक्स दिखेगा, लेकिन शीशे में अगर नाइन सिक्स देखेंगे तो नाइन ऐसा उल्टा दिखता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा दिखेगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका, ओके, ठीक है, समझ में आया कुछ, जी सर समझ में आया, मुंतखिब करें दिए गए तस्वीर में पानी के शबिया से मिलता जुलता है, ठीक है, पानी में कैसा दिखेगा, ऊपर का जस्ट नीचे, कुछ नहीं करना है, जो जहां है वही रहेगा, बस ऊपर का नीचे हो जाएगा, सी को ऊपर से नीचे करेंगे तो वैसे ही दिखेगा, ओ को ऊपर से नीचे करेंगे वैसे ही दिखेगा, आर को ऊपर से नीचे करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे हो जाएगा, ओ वैसे ही रहेगा, एन ऊपर से नीचे आएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ए ऊपर से नीचे आएगा तो ऐसा हो जाएगा, सर ऑप्शन ए, बताइए कौन सा आएगा आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सी सही है, ओ सही है, आर सही है, ओ सही है, एन सही है, ए सही है, और ये बी भी सही है, आई भी ठीक है, आर भी ठीक है, यू भी ठीक है, एस भी ठीक है, यही आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, डाइस वाला क्वेश्चन है, डाइस की दो पोजीशन जेल में दिए गए हैं, चेहरे के मुखालिफ पांच पॉइंट्स पर सेवन कितने पॉइंट जाहिर होंगे, ठीक है, पांच के ऑपोजिट में कितने, कौन सा नंबर आएगा पांच का ऑपोजिट,
ये चेंज हो रहा है, ठीक है, फोर ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तेरी ऊपर का ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो आप घुमा रहे हो डाइस कैसे घूम रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा है, ठीक है, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ओके। तो कहां चला गया ये फाइव, किधर गया, सामने तो नहीं आया, ठीक है, फाइव कहां गया, पीछे गया, ठीक है, फाइव पीछे गया, सामने आता तो यहाँ पे फाइव होता, ठीक है, तो ऐसे नहीं घुमा रहे हम, ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके घुमा रहे हैं, ओके। क्या बोला बताना, फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, तो फोर ही आना चाहिए इसके सामने, फाइव के सामने क्या आना चाहिए, फोर बचा हुआ, फोर, राइट है सर आंसर, चेक कर लेते हैं, थ्री यहाँ पे अगर फोर है और यहाँ पे टू सिक्स, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे फोर, यहाँ पे टू, फोर नीचे है, क्या आएगा आंसर अभी देखिए, अगर फोर आंसर हम सोचते हैं तो फोर गलत हो जाएगा आंसर, कैसे, यस सर, टू से पीछे जाएगा, फोर सिक्स, सिक्स आना सर, यस, यहाँ पे फोर होगा तो ये ऐसे घुमाया तो ये पीछे जाएगा, ठीक है, तो ये वन यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ वन, ठीक है, तो एक बार नहीं दो बार ट्रन किया है, ठीक है, ये फाइव पूरा का पूरा इधर चला गया, ओके, क्या आंसर हो जाएगा फिर, सिक्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ वन है, यहाँ पे थ्री है, तो ये वन और ये टू पीछे, ये पूरा घूम के वापस इधर सामने आ गया इसमें, ठीक है, दो टर्न लिया, ओके, फाइव कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया फाइव, यहाँ आ गया सिक्स, दो यहाँ आ गया, वन यहाँ आ गया, फोर नीचे है, तो फाइव के अपोजिट में क्या है, सिक्स, ठीक है, समझ में आएगा, सिक्स, यस सर, इसके अपोजिट होगा, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बॉबी ने कहा, ठीक है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बॉबी ने कहा, बॉबी वाली ये बॉबी है, ठीक है, ये तस्वीर है, इशारा करते हुए वो मेरे भाई, ठीक है, ये भाई का निशाना दीजिए प्लस, ठीक है, भाई के वालिद, ये हो गए फादर, यानी इसके भी फादर हो गए, भाई के फादर, उसके भी फादर, वालिद की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी मतलब एक निगेटिव कर देते हैं, इकलौती बेटी यानी इसकी बहन, इकलौती बहन, बेटी का बेटा है, यानी इसका, ये कौन है, ये इसका बेटा है, सन है, ठीक है, तो तस्वीर में बॉबी का उस शख्स से कैसा ताल्लुक है, बॉबी उस शख्स से क्या है, बॉबी इस शख्स का क्या हो जाएगा, बताओ, क्लियर है ना, जी सर, क्या क्या हो जाएगा, बॉबी बोल रहा है, ठीक है, ये भी है, बॉबी बोल रहा है कि मेरे भाई, ठीक है, ये भाई हो गया इसका, मेरे भाई के फादर, ठीक है, ये फादर हो गया, फादर की इकलौती बेटी, ये बेटी हो गई, माइनस में लड़की का मैं निशान देता हूँ, बेटी हो गई, तो ये कौन हो गई, बॉबी की बहन हो गई, और ये बहन का बेटा है, ठीक है, बेटी का बेटा है, यानी ये बहन का बेटा है, तो बॉबी इस तस्वीर में लड़का जो है उसका क्या हो गया, बॉबी, बॉबी का उस शख्स से कैसा ताल्लुक है, नहीं समझ आ रहा, क्या बोलते हैं, बहन के बेटा, बॉबी बोलते भाभी ना सर, जी सर, बॉबी मींस भाभी ना, भाभी, बॉबी मींस बॉबी, बॉबी बॉबी नाम है, बॉबी नाम है, अच्छा, एक लड़के का नाम, किसी का नाम है, नाम है, एक लड़का है बॉबी, ये इस लड़के के बारे में बता रहा है जो तस्वीर में है, ठीक है, पिक्चर में एक लड़का है, इसके बारे में बता रहा है कि ये मेरे भाई, ठीक है, ये भाई हो गया के फादर, ठीक है, भाई का फादर मतलब ना फादर, ठीक है, इसकी इकलौती बेटी, ठीक है, इकलौती बेटी, ये निगेटिव हो गया, ये लड़की हो गया, इकलौती बेटी का बेटा है, ठीक है, तो क्या हो गया, बॉबी, जी सर, बॉबी की बहन का बेटा होगा, ठीक है, तो बॉबी इस लड़के का क्या हुआ, बॉबी को ये लड़का क्या बोलेगा, भतीजा, बॉबी को ये लड़का क्या बोलेगा, बहन का बेटा भतीजा, चाचा, बहन का बेटा भतीजा होता है, ओहो, मामा सर, सॉरी, सिटी में रहती है, यस सर, सॉरी, मामा, सिटी के लोग, सर, ये रिश्ता में बहुत कंफ्यूजन होता, सिटी के लोगों को रिश्ता नहीं पता होता है, ठीक है, चलो, जी सर,
सिटी सिटी में रहते हो? हैदराबाद सिटी में रहते हो क्या? जी सर। सर आप कहाँ से? मैं तो बिहार से। अच्छा। लेकिन ऑल इंडिया रह चुका हूँ, मुझे पता है। सर आपको कौन बोला? मैं हैदराबाद में हूँ सर, फर्स्ट टाइम हैदराबाद में। सर आपको कैसा मालूम मैं हैदराबाद में रहती हूँ? तो आपको बोली भी आपकी लैंग्वेज तो लाखों में एक हैदराबादी। अच्छा। है। ठीक है, आप लैंग्वेज से पहचान लिए। सॉरी सर, आप बहुत टैलेंटेड हैं। अज्जू अज्जू की पिक्चर हम लोग भी देखते हैं। जी सर। चलिए, 10th क्वेश्चन है, वो लफ्ज मुंतखब करें जो बाकी से मुख्तलिफ है। मक्खी, छिपकली, कॉकरोच, टिड्डी। कौन सा अलग हो जाएगा? छिपकली सर। ठीक, क्यों? क्योंकि बाकी सब कीड़े हैं। ठीक है, और ये छिपकली। हाँ, ये सर छिपकली अलग। बाकी सब इंसेक्ट्स हैं और ये रेप्टाइल में आता है। ठीक है, रेप्टाइल जो रेंग के चलते हैं, ऐसे जानवर जो रेंग के चलते हैं उसको रेप्टाइल बोलते हैं। ठीक है, छिपकली रेप्टाइल है, छिपकली मगरमच्छ, ठीक है, या फिर कछुआ को भी बोल सकते हैं रेप्टाइल्स। ये हो गया। एक और फास्ट में करके देख लेते हैं। ठीक है, एक और सेट देखते हैं फास्ट में। चलिए, ये नंबर सिस्टम इसमें बता रहे हैं क्या है। ये भी वही चीज है, अगर ध्यान देंगे तो 4, 9, 25, 49, लेकिन कुछ अलग है। ठीक है, ये नंबर देख के पता चल रहा है ना कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर तो ये पता चल रहा है। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो ये नंबर्स का क्या रिलेशन है? 2, 3, 5, 7, 11 क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? 2, 3, 5, 7, 11 पता है आपको? 2, 3, 5, 7, 11 किस टाइप के नंबर है ये? ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 ऑड नंबर नहीं है और 3, 5, 7 के बाद 9 आना चाहिए ऑड नंबर। ठीक है, तो 9 भी नहीं है यहाँ पे, तो ये ऑड नंबर तो नहीं हो सकता है। इवन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो कैसे नंबर? इसको प्राइम नंबर बोलते ना सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 13 आता है। ठीक है, ये 13 के बाद कौन सा आएगा? 14 नहीं है, 17 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 17 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 17 × 17। ठीक है, सिर्फ आखिरी नंबर देखना है, 7, 7 × 49, लास्ट का नंबर देखना है। ठीक है, 289 आ जाएगा। ठीक है, 289 होता है 17 का स्क्वायर। ओके, यस सर, 289। ठीक है, सीरीज में आप हर अब यहाँ पे हर पहचान में F2B8C16 यहाँ पे नंबर भी है और लेटर भी है। F के बाद खाली है, उसका डी है, डी के बाद इधर से देखना है। ठीक है, BCD उसके बाद क्या आ जाएगा? E। ठीक है, और E में 2 है, यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 16 है, फिर 8 है, क्या हाफ होता जा रहा है। ठीक है, 32 / 2 = 16 आ जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड किए तो क्या था? 8। 8 को 2 से डिवाइड किया तो क्या था? 8। 4। ठीक है, क्या आ जाएगा? E2 आएगा या E4 आएगा? क्या आएगा? E4। ठीक है, A कैसे आएगा? E अंत फोर। हाँ यस सर, C सॉरी जी। ठीक है, इसमें भी देखना है जो रिलेशन इन दोनों का रिलेशन इसके साथ होना चाहिए। क्या ये अखबार है और ये किताब है? ठीक है, अखबार भी पढ़ने के काम आता है, किताब भी पढ़ने के काम आता है। ये एक वो है, क्या बोलते हैं, बैंड। ठीक है, तो इसी टाइप का कौन सा चीज है इन चारों में? मौसीकी के लिए इन चारों में से कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ये तो बैलून है। क्या है ये? बैलून है, ये किताबों का शेल्फ है, किताबों का शेल्फ है ये, और ये जस्ट लिरिक्स है, मतलब वो गाना लिखते हैं। ठीक है, गाना लिखते हैं, उससे तो मतलब ये मेन ये है गिटार। ठीक है, गिटार टाइप फोर्थ वाला गिटार। ठीक है, इस लफ्ज का उस लफ्ज का इंतखाब करें जो नीचे लिखे हुए लफ्ज के जरूरी हिस्सा हो। ठीक है, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ के लिए क्या जरूरी है?
खिलाड़ी अदाकार कलम मुस्तखत कलम क्या जरूरी है कलम कलम ठीक है पेन होगा नहीं तो ऑटोग्राफ लिख ही नहीं सकते हैं ऑटोग्राफ किसको बोलते हैं साइन करने को ठीक है पेन होगा तभी आप साइन कर पाओगे जी सर ठीक है अब इसमें देख कौन सा सवालिया निशान की जगह लेगा ठीक है इसमें देखना क्या है ए सी ई है ठीक है ए के बाद गैप है बी का फिर सी है सी के बाद बी का गैप है तो ई उसी तरह जी के बाद एच का गैप है तो आई है आई के बाद जे का गैप होगा तो क्या जाएगा ए ठीक है ए में ये दो है 15 है और 8 है कौन सा आएगा वो आपको बताना है क्या आएगा यहाँ 2 है यहाँ 4 है यहाँ 6 है यहाँ 3 है यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 के बाद 3 गैप है 4 के बाद 5 गैप है 3 के बाद 4 गैप है 5 के बाद 6 गैप तो यहाँ क्या जाएगा 7 लेकिन 7 है नहीं सेवन नहीं है सर ऑप्शन के 15 है के 8 है यस सर सेवन आना चाहिए गलत भी हो सकता है आंसर गलत भी डाल सकते हैं कोई नहीं ठीक है ऐसे भी देखेंगे तो के 7 ही आना चाहिए क्या 2 3 2 3 5 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ पे क्या आना चाहिए एट आएगा क्यों सेवन तो है नहीं इसमें ठीक है एट एट क्यों आएगा बता सकते हैं एट क्यों आएगा लॉजिक लगाइए नहीं इन दोनों का ऐड है ठीक है गैप नहीं है इन दोनों का 2 + 4 = 6 ठीक है 3 + 5 यस सर 3 + 5 = 8 ठीक है आई जे का गैप है के आएगा के 8 ठीक है ओके 9 + 5 = 14 यस जेल में दिए गए अल्फाज को माने खेस तरतीब में दें ठीक है अल्फाज पैराग्राफ जुमला इबारत लफ्ज सबसे पहले क्या आएगा लफ्ज ठीक है लफ्ज को जब बहुत सारे लफ्ज को ऐड करते हैं तो अल्फाज बन जाता है ठीक है फाइव ये आ जाएगा फाइव के बाद वन अल्फाज से फिर क्या बनता है जुमला बनता है ठीक है जुमला से क्या बनता है पैराग्राफ बनता है पैराग्राफ के बाद फिर इबारत बन जाती है ठीक है आर्टिकल आर्टिकल बोलते हैं इबारत मतलब आर्टिकल कुछ भी किसी चीज के ऊपर लिखना है कुछ तो पहले हम लफ्ज बोलते हैं ठीक है लफ्ज से अल्फाज बनते हैं फाइव के बाद वन और अल्फाज से जुमले बनते हैं 3 उसके बाद पैराग्राफ बनता है फिर इबारत कंप्लीट हो जाता है ठीक है 5 1 3 2 4 5 1 2 3 4 दिया सर डी ऑप्शन डी 5 1 2 3 4 ठीक है जी ओके वर्जिश जिम ठीक है वर्जिश कहाँ करते हैं जिम में करते हैं खाना कहाँ खाते हैं ये जगह का नाम है ना वर्जिश और जिम का क्या ताल्लुक है वर्जिश करते हैं उसको जिम बोलते हैं खाना खाना जहाँ खाते हैं उसको क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट फिटनेस परहेज चबा रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट ठीक है डी डी आइस के दो पोजीशन रेल में दिखाए गए हैं कौन सा नंबर 2 के चेहरे के पीछे आएगा 2 के पीछे क्या आएगा दो पोजीशन ठीक है यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है ठीक है 2 है बता सकते हो क्या हो जाएगा चारों को मैच करना ठीक है ऊपर 6 है यहाँ पे 6 है यहाँ पे भी 6 है लेकिन यहाँ 4 है यहाँ पे 1 है ठीक है जी कैसे करेंगे ये देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ 5 है यहाँ पे भी 5 है ठीक है यहाँ पे 6 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है ठीक है तो कैसा कर रहे कैसा घुमा रहे हम लोग ऊपर से नीचे कर रहे हैं ठीक है ऊपर से नीचे मतलब पूरा ही नीचे कर रहे हैं ये 2 कहाँ चला जा रहा है बिल्कुल नीचे चला जाएगा ठीक है तभी तो यहाँ नीचे जा रहा है यहाँ पे 6 है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 है यहाँ पे 6 है ठीक है तभी तो ऐसा पूरा घूमने के बाद 6 यहाँ पे आ रहा है 4 यहाँ पे आ रहा है ठीक है और यहाँ नीचे चला गया आपका क्या चला गया नीचे चला गया नहीं सर 2 नीचे चला गया 4 के पहले क्या 2 2 और यहाँ पे 3 आ गया ठीक है
तो अभी क्या बचा हमारे पास, सिर्फ एक क्या वन बचा, वन इसके फाइव के पीछे है पर, समझ में आ रही बात जी सर। अभी देखिए सिक्स यहाँ पे है, यहाँ पे भी सिक्स, यहाँ पे वन है, यहाँ पे फोर है, ठीक है। सिक्स को कैसे घूम रहा है, तो फोर यहाँ आ गया, दैट मीन्स फोर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो फाइव के जो सामने था यहाँ पे, वो चीज सामने आया ना यहाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिक्स यहाँ पे भी, सिक्स यहाँ पे भी है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो फोर कहाँ चला जाएगा, पीछे, ठीक है। ये इसको घुमाएंगे तो फोर कहाँ आ गया, फाइव की जगह पे, फाइव चला गया पीछे, और यहाँ पे क्या आ गया, फोर की जगह पे वन आ गया, दैट मीन्स के फाइव के पीछे सामने क्या है, वन है, वन है, समझ आ रहा है। हाँ यस सर, उसको उधर घुमा लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल इसको करने में करेंगे। लड़के का तारुफ करते हुए, ठीक है, एक लड़का है, लड़के को हम प्लस में बताते हैं, ठीक है। एक लड़के को तारुफ करते हुए एक लड़की ने, माइनस ने कहा, वो मेरे, यानी इसके बारे में बोल रहा, वो मेरे चाचा, ठीक है, अंकल, वो मेरे चाचा के वालिद, ठीक है। चाचा के वालिद मतलब क्या हो गया, इसके दादा, ठीक है, इस लड़की के दादा, वालिद की बेटी, तो दादा की बेटी क्या हो गई, दादा की बेटी फुआ हो गई, ठीक है, फुआ हो गई, ठीक है, फुपू हो गई का बेटा है, फूपी का बेटा है, तो फूपी का बेटा है तो क्या हो जाएगा, तो लड़के का लड़की से क्या ताल्लुक है, कजिन भाई हो गया, ठीक है। फूपी का बेटा क्या होगा, भाई तो होगा, कजिन भाई होगा, ठीक है। लास्ट जो है टेंथ क्वेश्चन है, असातिज़ा और तलबा इंसान है, असातिज़ा और तलबा इंसान है, इसको बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, फोर्थ सर, असातिज़ा तलबा इंसान, ठीक है, फोर्थ, वेरी गुड। ये टीचर हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, दोनों इंसान है, तो ये इंसान हो गया, ठीक है, ह्यूमन, ओके जी सर, सही है। ठीक है, कल मिलते हैं, कल का टाइमिंग शायद 4 बजे रहे, अभी मैं इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है, ओके ओके सर।